অর্থের সংকট এটাই মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে আজকে, যে কিভাবে একজন মা তার ছেলেকে সন্তানকে বাঁচাতে পারে আর একজন সন্তান তার মাকে বাঁচাতে পারে, একজন ভাই তার ভাইকে বাঁচাবে কি করে, সেটাই এখন চিন্তার বিষয়। अभाव अभाव अभाव, जब भी इंडिया की तरफ देखिएगा आपको अभावी नजर आएगा। हमारे देश में ब्लड नहीं था ये किसने कहा, कोरोना के पहले भी इसका शॉर्टेज था और अभी भी है। इसके लिए हम लोग को एक सॉलिड मूवमेंट बिल्डअप करना पड़ेगा थ्रू आउट इंडिया, सिर्फ ब्लड का ही नहीं, हम लोग को ये मूवमेंट बिल्डअप करना पड़ेगा ताकि हमारे देश में किडनैपिंग ना हो, ऑर्गन ट्रेड ना हो। इसके लिए हम आपको एक सिंपल सा स्टेप बता रहे हैं जो पूरे इंडिया को जोड़ सकता है, हर इंडियन फैमिली को जोड़ सकता है। अगर आपका कोई क्लब है, अगर आपका कोई एनजीओ है, अगर आपका कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करने के लिए हमको सहायता कर रहे हैं डॉक्टर पी के मोंडोर ऑफ यूनाइटेड फाइनेंशियल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो लोग PIA ऑफिस भी मेंटेन करते हैं, माने गवर्नमेंट का किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा असली काम क्या है, गवर्नमेंट सालों से ये कोशिश कर रहा है कि देश का हर आदमी बड़ा आदमी बने, बट ये कोशिश में वो नाकाम रहे। हो सकता है हजारों करोड़ों उन्होंने खर्चा कर दिया हो इसके पीछे, क्योंकि कोई सिंपल सा प्लान गवर्नमेंट के पास है नहीं। इसलिए हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम में हम चाहते हैं आप लोग सभी हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। आपको करना क्या है, आपके NGO में ज़रूर 30 आदमी होंगे, उनको 100 आदमी को जोड़ना है एट ₹100। इसका मतलब 30 आदमी इज इक्वल टू 3000 पीपल इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये जो 300,000 का कलेक्शन होगा इसका 20% होगा आपके डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट आप क्या कीजिएगा, ₹60,000 का ये आपको ठीक करना है, 20% आपको सैलरी देना है। कोरोना में जब पूरा देश बंद हो रहा है, अगर जनगण माने हमारे देश के लोग अगर वो मूवमेंट में उतरते हैं तो वो सिर्फ सैलरी ही नहीं देंगे, इंडिया को जोड़ भी सकेंगे थ्रू ए वेबसाइट जो हम लोग आपको बाद में प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अभी आप लोग करिएगा या नहीं करिएगा ये तो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल काम होगा। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग देश का अच्छा चाहते हैं और 72 साल से देश का अच्छा नहीं कर सकें, इसलिए हम लोग चाहेंगे आप लोग प्रोफेशनली हमारे साथ जुड़िए, एग्रीमेंट करके जुड़िए। ये सोशल सर्विस नहीं है, ये है सोशल मूवमेंट, ताकि देश के PM को जब हम लोग सैलरी दे पाते हैं, देश के CM को जब हम लोग सैलरी दे पाते हैं, तो सोशल काम करने वाले को क्यों हम लोग सैलरी नहीं देंगे। जिन लोग को पद्म भूषण मिलता है, जिनको पद्म भूषण मिलता है, वो लोग देश के लिए काम करते हैं बट कभी न्यूज़ में नहीं आते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल क्या दिखाते हैं, कितना मर्डर हुआ, कितना जगह ऑक्सीजन नहीं है, कितना जन का डेथ हो गया, बट हमारे देश में ये कभी नहीं दिखाया जाता है कि आदमी लोग कौन कौन से अच्छा काम कर रहे हैं जिनके लिए उनको पद्म भूषण मिलेगा। तो हमारा देश किस तरफ आगे बढ़ेगा ये आपको ठीक करना है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ अपना एडवाइजरी देकर फाइन करके ये देश को कभी अच्छा नहीं कर सकता। इनफैक्ट UP में अभी एक केस निकला है जहां पर वो जिसको भी चाहे जब भी चाहे अरेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कभी देश को रूल नहीं कर पाता है क्योंकि ये 130 करोड़ का देश है। अगर आप चाहते हैं किडनैपिंग बंद हो, ऑर्गन ट्रेड बंद हो, तब आपको अपने पाड़ा से पाड़ा एकोता मोंचो खोलना पड़ेगा और इमरजेंसी मेडिकल फंड के लिए आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। ये इमरजेंसी मेडिकल फंड क्या हुआ, ₹100 तो आपने दे दिया पारा एकोता मोंचो के लिए लोकल जगह को कनेक्ट करने के लिए। और इमरजेंसी मेडिकल फंड हुआ, आप जहाँ भी रहते हैं आपका कोई कंपाउंड होगा उधर हर आदमी को बोलिए पुराना न्यूज़पेपर, खाता बुक्स प्लास्टिक जो भी सके डोनेट करने, महीने में एक दिन इसको बेचकर आप हमको बताइएगा जो कितना पैसा आपके पास है। जिनका भी मेडिक्लेम नहीं है हमारे देश में, जो गरीब हैं, उसका कोई भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग पैसा डायरेक्टली उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये होगा इमरजेंसी मेडिकल फंड। आप एक ऐसे इंडिया में रहते हैं जहाँ पर गरीब होना गर्व का बात हो गया है, क्योंकि PM भी बोलते हैं 80 करोड़ आदमी को हम लोग चावल और दाल बने
महीने का 6-7 KG करके दे देंगे। वो ये नहीं बोल पाते हैं कि सिटीजन को कनेक्ट करके, हर सोशल संगठन को कनेक्ट करके, हर एनजीओ को कनेक्ट करके, हर ह्यूमन राइट को कनेक्ट करके, हर आइडिया मेकर को कनेक्ट करके हमारा देश को आगे बढ़ाएंगे। उनको ये भी नहीं मालूम है जो हर पार्टी ऑफिस में जो करोड़ों करोड़ों लड़के बैठे हैं उनको भी जोड़ देने से इंडिया आत्मनिर्भर हो जाता। इंडिया का जो गरीब लड़का है जिसको नौकरी अभी तक नहीं मिला है, पार्टी ऑफिस के माध्यम से उनको नौकरी भी मिल जाता, वो लोग मदर लोग को पेंशन भी दे पाते, वो लोग किसान के पास भी खड़े हो पाते और वो देश को आगे भी ले जा पाते। हमारे देश में अभी कोई ऐसा लीडर ही पैदा नहीं हुआ जो बोले देश को हम लोग एक करेंगे। ये देश को एक करने का काम सिर्फ जनगण ही कर सकता है। इसके लिए हमारा इंडिया 72 साल से अपेक्षा कर रहा है सिर्फ आपके लिए। आप ही सकेंगे इस देश को एक करने को, इसके सिवा और कोई नहीं। अगर आप अपने बच्चे को, इफ़ यू लव योर चिल्ड्रन देन दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि कोरोना हम लोगों को सेपरेट कर चुका है, हर घर को सेपरेट कर चुका है, हर घर से दूरी बढ़ा चुका है। सेकेंड वेव ऑफ लॉकडाउन इज लूमिंग लार्ज ओवर इंडिया। दिल्ली बंद हो रहा है, महाराष्ट्र बंद हो रहा है, राजस्थान बंद हो रहा है, ऑक्सीजन है नहीं, रेमडेसिविर टैबलेट्स हम लोगों को मिल रहा नहीं है। हमको दिल्ली से अभी फ़ोन आया, कितने सारे जगह में इंजेक्शन इज़ नॉट अवेलेबल, स्टिल कलकत्ता में अभी भी मिल रहा है। कलकत्ता में जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर 400 रुपये का है, वहाँ पर जाके हम देख रहे हैं दिल्ली में वो 50,000 का हो जाता है। सो इंडिया नीड्स टू बी यूनाइटेड बाई सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नॉट बाई एनीवन एल्स, बिकॉज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे लॉकडाउन में ये नहीं कह पाए कि हमारे इंडियंस लोग एक हो। तो हम लोग उस फेज से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पर ये आपको डिसाइड करना है कि आप एक हो सकेगा क्या नहीं, आप अपने नेक्स्ट जेनरेशन के लिए कुछ कर सकेगा क्या नहीं। हमारे साथ तो डॉक्टर पीके मंडल है, थैंक यू वेरी मच।